हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसने आज यहां पर रफ्तार लाने का काम किया। इवन मार्केट में तेजी तो थी ही, लेकिन टाटा पावर में एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है और यही एक वजह है जिससे शेयर में आपको फ्यूचर में भी तेजी देखने को मिलेगी और कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है वो बेहतर है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा पावर के ऊपर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी को जब 96 रुपीज का ये शेयर था तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि हेलो एवरीवन। खरीदारी, आज लेकिन बेचने की गलती यहां पर मत करना। सिर्फ और सिर्फ बाइंग यहां पर बनती है, बेचने की गलती तो कभी भी मत करना। इससे पहले 6 फरवरी को जब 87 रुपीज का ये शेयर था तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी करो। इससे पहले 2 फरवरी को 83 रुपीज का शेयर था तब भी मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। इससे पहले 12 नवंबर को जब ये 55 रुपीज का शेयर था तब भी मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले जब ये 7 जून में 43-44 रुपीज का शेयर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और जब ये अपने ऑल टाइम लो के पास ट्रेड कर रहा था 12 मई को 28 रुपए का ये शेयर था तब भी मैंने कहा था कि मौका यहाँ पर मत चूकिएगा, फ्यूचर इसका शानदार है। और आज आप देख सकते हैं कि 100 रुपए से भी ऊपर ये शेयर निकल चुका है। पिछले काफी वक्त से मैं कह रहा हूँ कि ये शेयर 100 रुपए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा और अब ये ऑलरेडी उससे कई ऊपर निकल चुका है। और इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे कि 105 रुपए का शेयर क्या अभी भी खरीदारी बनती है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर किस तरीके से हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 105 रुपए का ये शेयर है और जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो यही है कि टाटा पावर की जो एक सब्सिडरी कंपनी है टीपी सूर्या, उसको झारखंड में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है टाटा स्टील की तरफ से। हालांकि सप्लाई करनी है सोलर पावर को, सप्लाई का ये प्रोजेक्ट है। अब आप सोचोगे कि भैया टाटा पावर की भले सब्सिडरी कंपनी है लेकिन फर्क क्या पड़ता है, तो फर्क ये पड़ता है कि टाटा पावर्स आप देखिए होली ओन सब्सिडियरी कंपनी, मतलब टाटा पावर में टीपी सूर्या में ऐसा नहीं कि टाटा पावर की 75% की होल्डिंग 80 है, पूरे की पूरी 100% की होल्डिंग टीपी सूर्या में टाटा पावर की ही है। टाटा पावर टीपी सूर्या अगर प्रॉफिट करता है तो वो सीधा का सीधा प्रॉफिट टाटा पावर का माना जाता है, इतनी बड़ी इनकी होल्डिंग है। यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर टाटा पावर ही टीपी सूर्या को चलाते हैं, 100% की होल्डिंग उन्हीं की यहाँ पर है। और आप देखिए यहाँ पर टीपी सूर्या हैज असाइंड अ पावर परचेज अग्रीमेंट विद टाटा स्टील टू डेवलप 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एट जमशेदपुर झारखंड। तो बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है कि 15 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का काम इनको मिला है, वो भी टाटा स्टील की तरफ से मिला। हालांकि टाटा की ही कंपनी है लेकिन फिर भी पैसा तो भैया इसी के अंदर आएगा, भले ही टाटा स्टील से आए या कहीं से भी आए, पैसा तो इन्हीं को आएगा, इन्हीं की बैलेंस शीट ज्यादा मजबूत होगी यहाँ पर। और देखिए कब तक है, द एनर्जी विल बी सप्लाई टू टाटा स्टील लिमिटेड अंडर पीपीए वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स फॉर शेड्यूल कमर्शियल ऑपरेशन डेट, में 25 साल के लिए है। तो बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कमीशन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पीपीए कंपनी से, तो मैं 6 महीने के अंदर इसका कमीशन कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कैपेसिटी कितनी बन चुकी है टाटा पावर की। टाटा पावर की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, सिर्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी है, वो 4000 मेगावाट से भी ज्यादा की हो चुकी है, जिसमें से ऑपरेशनल की बात की तो 2685 मेगावाट से भी ज्यादा की ऑपरेशनल है। और अंडर इम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो वो 1360 मेगावाट के आसपास है, जिसमें ये 15 मेगावाट का जो हाल फिलहाल में है प्रोजेक्ट उसको भी यहाँ पर हम काउंट कर ही लेंगे। और यहाँ पर क्या कहा है टाटा पावर के सीईओ और एमडी ने कि वी आर ग्लैड टू कोलोबरेट विद टाटा स्टील टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट एंड रीअफर्म द टाटा ग्रुप्स कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। प्रेजेंटली द एसोसिएशन इज लिमिटेड टू टाटा स्टील एट जमशेदपुर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद देम फॉर कवरिंग ऑल अदर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया। तो ये बढ़िया स्टेटमेंट है कि भैया हाल फिलहाल में हम टाटा स्टील के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन फ्यूचर में हम बाकी लोगों के साथ भी कोलोबरेट करने की कोशिश करेंगे और बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो ये जो कैपेसिटी है 4000 मेगावाट से भी ज्यादा की, वो सिर्फ इनकी रिन्यूएबल एनर्जी वाली कैपेसिटी है।
ग्रीन एनर्जी जी जिसको हम कहते हैं, तो ये उसी की कैपेसिटी है। और आपको बता दें जैसे अदानी में क्या है कि भैया अदानी पावर अलग है और अदानी ग्रीन अलग है रिन्यूएबल के लिए, जबकि टाटा में वो चीज नहीं है। टाटा पावर में ही आपको टाटा रिन्यूएबल भी देखने को मिल रहा है और टाटा पावर भी देखने को मिल रहा है। तो अभी भी शेयर बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। टारगेट और बेहतर इसके हो सकते हैं फ्यूचर में, और अच्छी खासी तेजी ये शेयर पिछले 1 साल में दिखा चुका है। आप देखिए 136% तक ग्रोथ है और हर बार आपको तेजी देखने को मिली। 27 रुपए तक का लो बना था और यहाँ पर मैंने इस शेयर को पकड़ा था, और मैंने तब से लेकर अब तक मैं कई वीडियो बना चुका हूँ टाटा पावर के ऊपर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर आप बार बार टाटा पावर के ऊपर वीडियो क्यों बनाते हैं, तो उसका रीजन सिंपल है कि बेचने की गलती मत करिए। यहाँ पर ये मत सोचिए कि मेरी 50 रुपए की बाइंग थी 100 रुपए के ऊपर चला गया तो अब मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बने रहिए, अभी भी बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और मैं इसीलिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आप यहाँ पर ये गलती ना करें इसको बेचने की, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको आपको 2-3 साल के अपने पॉकेट में रख के चलना है, इसको एक झटके में नहीं निकालना है, इसको पॉकेट में रख के चलो। ये अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी शुरुआत है इसकी, अभी और ज्यादा दौड़ेगा ये शेयर। लार्ज कैप शेयर है, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 8.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिले, काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और प्रमोटर को ये पहले से पता था कि बड़ी तेजी हम यहाँ पर लाने वाले हैं, फ्यूचर प्लान्स बेहतर है। इसीलिए जून क्वार्टर में जहां प्रमोटर की 37% की होल्डिंग देखने को मिल रही थी आसपास, वो आज 46-47% के आसपास है। 9.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने बढ़ाई है यहाँ पर, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और याद रखिए आने वाले दिनों में प्रमोटर और खरीदारी करेंगे। एफआईएस के पास 12.44% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 11.36% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है। आप देखिए 2.5% की छोटी सी होल्डिंग गिरवी जरूर है, लेकिन 40 म्यूचुअल फंड स्कीम और 164 एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको आईसीएसएल प्रूडेंशियल भारत कंजर्वेशन फंड देखने को मिल रहा है 5.66% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13% के आसपास है और डिविडेंड भी पे करे, देखिए अच्छा डिविडेंड है ये। पिछले साल कोरोना काल में भी इन्होंने 155% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 1.55 रुपए आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। और पिछले साल जुलाई महीने में कोरोना काल में इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया है। टाटा पावर टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत, यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है। और इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 87% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 13% लोग आपको यहाँ पर बेच कर निकलने की सलाह दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मुझे जो सबसे बेहतर लगता है टाटा ग्रुप की कंपनियों में वो ये है कि प्रमोटर अपनी कंपनियों को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त है, भरोसेमंद है। प्रमोटर कभी भी बिकवाली का काम यहाँ पर नहीं करते हैं, प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने का काम करते हैं, और प्रमोटर के द्वारा बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रमोटर साल में 2-3 बार आएंगे और बड़ी खरीदारी करके चले जाएंगे, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जनरली बाकी कंपनियों में क्या होता है, इवन जो बड़ी कंपनी नहीं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है उसमें देखने को मिलता है कि भैया इंसाइडर ट्रांजेक्शन समरी में अगर आप देखो तो हर महीने प्रमोटर के द्वारा या तो खरीदारी या बिकवाली के ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जबकि टाटा में वो चीज नहीं है। टाटा में आप देखेंगे तो बहुत ही कम प्रमोटर आएंगे खरीदारी के लिए, और जब भी आते हैं बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं और निकल लेते हैं। अब देखिए अगस्त महीने में तकरीबन 50 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी प्रमोटर के द्वारा एक झटके में खरीदी गई, उसके बाद प्रमोटर ने बेचने का भैया मन बनाया ही नहीं, बेच नहीं रहे वो लोग। सितंबर की 2019 में भी बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर खरीद रहे थे। प्रमोटर यहाँ पर सिर्फ खरीदने आते हैं, बेचने नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंपनी कितनी वैल्यूएबल है। यहाँ पर अच्छे रेवेन्यूज है, अच्छे प्रॉफिट्स है, सब कुछ सही जा रहा है, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगेन मैं कह दूं, भले ही आपने निचले लेवल से खरीदा हो ये शेयर, लेकिन बेचने की गलती, प्रॉफिट बुकिंग करने की गलती अभी मत करिए, बने रहिए। मैंने काफी वक्त से कहा है कि ये जो शेयर है ये 100 रुपए तक जाएगा, और अब मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि 125-130 रुपए का लक्ष्य बहुत जल्दी दिखाने वाला है, और एक बार वो क्रॉस हो गया तो और बड़ी रैली के लिए भी ये तैयार हो जाएगा। तो ये वो शेयर है जिसको आपको कम से कम 2-3 साल के लिए अपने पॉकेट में रख के चलना चाहिए। फ्यूचर इलेक्ट्रिक है आने वाला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों आएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहार आने वाली है, वक्त लगेगा लेकिन आएगी जरूर। और ऐसे में इनका जो कंजम्पशन है
वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इंडिया चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने वाले दिनों में इंडिया में बिल्टअप होने वाले हैं, कंजम्पशन बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे में टाटा एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। टाटा ने ऑलरेडी अपने कई सारे चार्जिंग स्टेशन लगाना शुरू कर दिए, इवन 100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन इनके ऑलरेडी लग चुके हैं पूरे इंडिया में, और साल 2021 के एंड तक 600 जितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका प्लान है। तो ये वाकई में बहुत ही बढ़िया प्लान है, बेहतर प्लान है, और जो कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होने वाला है, और इनके जो पॉकेट है वो भरने ही वाले हैं। अच्छे रेवेन्यू आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, शेयर प्राइस भी आपको अच्छे से बढ़ती हुई ही देखने को मिलेगी आपको फ्यूचर में यहाँ पर। तो बने रहिए, बेचने की गलती मत करिए, बने रहिए यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा बेहतर है और रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।